पार्ट थर्ड पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम दो पार्ट डाल चुके हैं, तो पार्ट वन और पार्ट टू पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, तो एक फार्मूला प्रूव करना है हमको, थीटा बराबर एल बाय आर, टू प्रूव गेट थीटा बराबर एल बाय आर रेडियन। तो यहाँ पर जो थीटा का मान निकलेगा वो रेडियन में होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम प्रूव करते हैं, एक सर्कल ले लिए जिसका रेडियस आर है, सेंटर ओ है, इसके आर्क का लेंथ इसके रेडियस के लेंथ के हम बराबर ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ओ ए बी, ए बी क्या आर्क है जिसका लेंथ जो है रेडियस के लेंथ के बराबर है, ठीक है। तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो वन रेडियन का होगा, तो डाउट, तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना होगा, एक रेडियन का होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ए बी, फिर उसके बाद हम जाते हैं सी पे, ठीक है। अब जो एंगल ए ओ सी जो बनेगा, मान लेते हैं वो एंगल है थीटा, वो एंगल हम कितना मान गए, थीटा। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ है एल, ये लेंथ क्या, एल। अब फ्रॉम ज्योमेट्री से कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बाय एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ बी बाय एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ बी बाय एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ बी के कारण कौन सा आर्क बन रहा है, एंगल ए ओ बी के कारण आर्क ए बी बन रहा है, ठीक है। तो ए ओ बी के कारण आर्क ए बी बन रहा है, और एंगल ए ओ सी के कारण, एंगल ए ओ सी के कारण आर्क एसी बन रहा है, ठीक है। तो ज्योमेट्री से हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बाय एंगल ए ओ सी बराबर होगा आर्क ए बी बाय आर्क ए सी के, ठीक है। एंगल ए ओ बी का मान कितना है, एक रेडियन है। एंगल ए ओ सी का मान कितना है, थीटा है। आर्क ए बी का मान कितना है, आर है। आर्क ए सी का मान कितना है, एल है, ठीक है। पलटा देते हैं, लेकिन थीटा ऊपर वन रेडियन नीचे, एल ऊपर आर नीचे, थीटा बराबर एल बाय आर, और वन रेडियन उधर गुना हो गया, ठीक है। मतलब एल बाय आर को जब रेडियन से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल क्या चीज निकलेगा, थीटा बराबर एल बाय आर इंटू वन रेडियन, मतलब थीटा बराबर एल बाय आर रेडियन। बात समझ आया, मतलब इस चीज को इससे क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो जैसे ये रेडियन वाला इससे गुना हुआ तो थीटा क्या चीज में आ गया, रेडियन में आ गया, ठीक है। मतलब ये फार्मूला जहाँ पे यूज करेंगे तो वहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि थीटा का मान क्या चीज में होना चाहिए, रेडियन में। अगर डिग्री में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम कन्वर्ट क्या चीज में करेंगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम बताएंगे, आज तो ये हम फार्मूला प्रूव कर दिया, आज हम बताएंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। फिर इसके बाद हम किसी सिनेमा में जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में तो कुछ ज्यादा सवाल है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। और इसके पहले जो भी था हम वीडियो में, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ठीक है, ग्रेड, ग्रेड से रेडियन, ग्रेड से डिग्री, ये सारा हम कन्वर्ट क्या कर दिए, करा दिए, मतलब एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा करा दिए। अब किसी भी किताब को अगर उल्टा के देखिएगा, ये बनाइएगा, तो आपसे क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं एनसीईआरटी को पहले क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है, लिखा हुआ यहाँ पर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस को फाइंड करना है, ठीक है। इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, जिसमें केंद्र पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री, मतलब सेंटर पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, तो थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4, मतलब ये जो है कितना आर्क बना रहा है, 37.4 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है, ठीक है। तो हम जो इसके पहले जो प्रूविंग कराए थे तो क्या बताए थे, कि एक रेडियस आर है, आर का लेंथ एल है, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है थीटा, तो इस तीनों के बीच जो रिलेशन होता है वो थीटा बराबर एल बाय आर रेडियन। यहाँ पर जो थीटा का मान निकलता है वो रेडियन में निकलता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आर का लेंथ है वो कितना दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ कितना दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है यहाँ पर रेडियस का मान निकालना है, तो फॉर्मूला का यूज करते हैं, थीटा बराबर एल बाय आर रेडियन। तो थीटा का मान है 60 डिग्री, तो सबसे पहले हम इस चीज को हम क्या बोले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जो भी एंगल होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, कटाने पर कितना हो गया 3 हो गया, तुम लिख सकते हैं इसको पाई बाय 3 रेडियन। यह आपको पहले बताए थे कुछ एंगल का मान क्या करना है रेडियन में डायरेक्ट याद रखना है, 60 डिग्री की जगह पाई बाय 3 रेडियन, 90 डिग्री जगह पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, कुछ मान आपको क्या करना डायरेक्ट याद रखना है, यह ऐसे भी कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। तो थीटा का मान कितना हो गया पाई बाय 3 रेडियन, एल का मान हो गया 37.4 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है और पाई की जगह यूज करने बोला है 22/7, नीचे में 37.4/r, यहाँ से 11 से कट जाएगा दो बार में, या 33 11 44 3.4, यहाँ से 1.7। तो r का मान r गुना 1 r और 27 को 1.7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 21 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये एग्जांपल नंबर 4, यहाँ लिखा हुआ है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, घड़ी का जो मिनट हैंड का जो लंबाई है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, कितना लंबा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाफ आर डज इट टिप्स, इसका जो टिप्स है वो मूव इन 40 वर्ड, 40 वर्ड कितना मूव करेगा। ठीक है, तो 40 वर्ड मान लीजिए कि ये जो है 12 पर था, कहाँ पर आ गया 8 पर आ गया। ठीक है, तो 40 वर्ड में इसका जो टिप है वो कितना मूव करेगा, मतलब ये लंबाई का मान क्या करना हमको फाइंड करना, मतलब एल का मान क्या करना फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक चीज जरूरत पड़ेगा यहाँ पर एंगल निकालने का, क्या निकालने का जरूरत पड़ेगा एंगल निकालने का। तो एंगल निकालेंगे कैसे, क्या यहाँ एंगल तो दिया हुआ है भी नहीं, एंगल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि मिनट हैंड वाला जो होता है, मतलब अगर बड़ा कांटा का बात करें तो 12 से 12 पर आने में कितना मिनट लगाएगा, एक घंटा लगाएगा, एक घंटा मतलब कितना मिनट होगा 60 मिनट, मतलब 12 से 12 पर आने में मतलब एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लगता है मिनट हैंड को, मिनट हैंड को 60 मिनट, मिनट हैंड जो होता है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, एक चक्कर लगाता है 360 डिग्री एंगल, तो एक मिनट में 360 बाय कितना हो गया 60, एक मिनट कितना डिग्री एंगल बना 6 डिग्री। इसको नोट करके याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से कि मिनट हैंड जो होता है एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, उसी तरीका से अगर हम आवर हैंड में आए, मतलब घंटा वाला सुई जो होता है छोटा काटा 12 से 12 पर आने में 12 घंटा लगाता है, मतलब 12 घंटा में वो 360 डिग्री एंगल बनाता है, 12 घंटा में 360 डिग्री एंगल बनाता है, तो एक घंटा में 360 बार 12 बनाएगा तो 12 दिया कितना हो गया 36, मतलब एक घंटा में घंटा वाला सुई मतलब आवर हैंड जो होता है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों यूज आगे सवाल में भी होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है 1.5 सेंटीमीटर जो मिनट हैंड का जो लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर वो रेडियस का काम करेगा, हाफ आर डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट। ठीक है, तो ये 40 मिनट कितना लंबाई को तय करेगा वो निकालना है एल का मान। ठीक है, और थीटा तो मालूम है नहीं, चलिए तो 40 मिनट का बात है, टाइम तो दिया हुआ है, एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री एंगल बनाता है, इसलिए 40 मिनट कितना बनाएगा, बात मिनट हैंड का है। ठीक है, बात क्या है मिनट हैंड का, तो एक मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है, इसीलिए 40 मिनट कितना बनाएगा 6 × 40 मतलब 240 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर, और इस चीज को जब भी हमको थीटा बराबर एल बाय आर वाला सवाल आ गया तो वहां पर इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो 240 रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 18 6 4 24, तो 4 पाई बाय कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यूज करते हैं थीटा बराबर
एल बाय आर, अब निकालना है हमको एल, इसलिए एल बराबर कर सकते हैं आर इंटू थीटा। तो आर का मान है 1.5 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 4π/3, ठीक है। तो कितना हो गया, एल बराबर 1.5 4π। अब पाई का मान कितना यूज करने बोल रहा है, 4π है ना, तो पाई की जगह कितना यूज करेंगे, 3.14, नीचे में क्या है 3 है, ठीक है। तो कटाते ही 0.5 बार में कट गया, 0.5 × 4 2 हो गया, 2 × 3.14, तो जो भी 8 × 2 2 3 6.28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंबाई जो हो गया कितना, 6.28 सेंटीमीटर हो गया। एट आउट इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 5, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, मतलब दो सर्कल, ठीक है, दो सर्कल है, इफ द आर्क ऑफ दिस, मतलब दोनों के आर्क का लंबाई समान है, दोनों के आर्क का लंबाई क्या है, समान। मान लेते हैं कि अगर इसका आर्क का लंबाई, तो इसके भी आर का लंबाई कितना है, एल, ठीक है। दोनों के आर का लंबाई क्या है, सेम। सबस्टेंट एंगल कितना, 65 डिग्री, एक 65 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरा 110 डिग्री एंगल बना रहा है, एक 65 बना रहा है और दूसरा कितना बना रहा है, 110 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर, सेंटर पर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो दोनों के रेडियाई का रेशियो क्या होगा, मतलब दोनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा, दोनों के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, ठीक है। रेडियस में तो अंतर है, लेकिन यहाँ पर आर्क में अंतर, आर्क के लेंथ में कोई अंतर नहीं, इसलिए यहाँ पे L1 L2 यूज नहीं किए, यहाँ पे भी L और यहाँ पर भी L। अगर L1 L2 लिखते तो दोनों आपस में ऐसे ही बराबर होता, तो ऐसे लिखते L1 बराबर L2 बराबर L, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा कर सकते। देखिए एक तो हम बताए हैं कि 60 जो भी डिग्री में रहेगा उसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 65 डिग्री है, अच्छा हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं, थीटा बराबर एल वाय, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा एक थीटा वन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आर वन ले लेते हैं इस वाले के लिए, और सेकंड वाले के लिए थीटा टू बराबर एल वाय आर टू, तो इसका मान लेंगे थीटा टू क्या हो गया, लकी थीटा टू, फिर एल तो दोनों का सेम ही है, एल इसके लिए भी एल माने, और मतलब पहले सर्किल के लिए भी एल माने, दूसरे सर्किल के लिए भी क्या माने, एल माने। रेडियस दोनों का अलग, एक का रेडियस आर वन, दूसरे का रेडियस क्या आर टू, अब दोनों का बटे करते हैं, नौ वो किसका रेशियो निकालना है, रेडियस का रेशियो। तो ऐसा करते हैं यहाँ से आर वन बराबर एल बाय थीटा वन कहेंगे, और यहाँ से आर टू बराबर एल बाय थीटा टू कहेंगे, अब दोनों का क्या करते हैं बटे, जब दोनों का बटे कर देंगे तो आर वन बाय आर टू बराबर क्या हो जाएगा, एल बाय थीटा वन बाय एल बाय कितना थीटा टू, ठीक है। तो यहाँ से एल बाय थीटा वन गुना थीटा टू बाय कितना एल, एल से एल क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो थीटा टू बाय कितना थीटा वन, और थीटा टू का मान कितना, थीटा टू का मान है 110 डिग्री, थीटा टू का मान कितना 110 डिग्री, और थीटा वन का मान कितना 65 डिग्री, हम इसको थीटा वन माने हैं और इसको थीटा टू माने, ठीक है। तो अब क्या बोले, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कन्वर्ट कर भी दिए, देखिए जैसे 110 डिग्री, ठीक है, पाई बाय 180 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर भी पाई बाय 180 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर देते, ये तो कट ही जाएगा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं भी अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते तो सवाल बन जाता। तो इसको कटाना है 5 से 13/65, 5 × 2 = 10, 22/12 में, ठीक है। तो कितना हो गया 22/13, ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब एक चक्का जो है, एक पहिया जो है वो 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। अब 1 मिनट में बताइए कि कितना सेकंड होता है, 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में, मतलब कि 1 मिनट में पहिया जो है 360 चक्कर लगा रहा है, 360 रिवॉल्यूशन
लगाना है। तो एक मिनट मतलब कितना सेकंड हो गया, 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो पर सेकंड कितना हो जाएगा, तो एक सेकंड में 360 / 60 मतलब पर सेकंड 6 रिवॉल्यूशन लगा रहा, पर सेकंड कितना रिवॉल्यूशन लग रहा है, 6 रिवॉल्यूशन लग रहा है। तो यही बोल रहा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन, थ्रू हाउ मेनी रेडियन, अब जैसे बात रेडियन का आया तो समझ जाएंगे एंगल पूछा, ठीक है। हाउ मेनी रेडियन एंगल पूछ रहा है, डज इट टर्न इन वन सेकंड, तो एक सेकंड में कितना एंगल बनेगा, एक सेकंड में कितना एंगल बन जाएगा। तो देखिए एक सेकंड में तो है एक चीज जान रहे कि 6 रिवॉल्यूशन लग रहा है, एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन लग रहा है, 6 रिवॉल्यूशन लग रहा है, ठीक है। और एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनता है। एक रिवॉल्यूशन में जब 360 डिग्री का बनता है, लेकिन अगर एंगल का बात करें तो एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 6 रिवॉल्यूशन है तो 360 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 36 × 216 = 0 मतलब इतना डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा, लेकिन निकालना क्या चाहिए, रेडियन में निकालना है। अब यही डिग्री को क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2160 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से 0 यहाँ कट गया, 6 से कटाते हैं, 6 × 18 = 36 × 216, अब 3 से यहाँ 12 तो कितना हो गया, 12 π रेडियन एंगल बन गया। एनी डाउट, तो हम क्या किए, इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन बताते हैं, वैसा क्वेश्चन बताते हैं जो कि एग्जाम्पल में नहीं था, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जो जो था उस तरह का तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है, कुछ हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। फिर इसके बाद कैसे से नाम आएंगे तो हम बताएंगे आप सारा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा, ये आराम से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबस्टेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, मतलब एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और आर्क का लेंथ 22 सेंटीमीटर है। आर्क का लेंथ कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो थीटा का मान निकालना है, लेकिन क्या चीज़ निकालना है, तो डिग्री में निकालना है। थीटा का मान क्या चीज़ निकालना है, डिग्री में, ठीक है। तो अगर हम यूज करते हैं थीटा बराबर एल बाय आर, तो आफ्टर कैलकुलेशन ये रेडियन निकलता, आफ्टर कैलकुलेशन ये रेडियन निकलता, फिर इसके बाद हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो एल का मान 22 सेंटीमीटर है जबकि आर का मान 100 सेंटीमीटर है, ये आ गया रेडियन में, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, तो 22 / 100 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 / π से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए क्या कटेगा, तो ये हम पाई की जगह 22/7 यूज करो, तो ये 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 22/100 ये आ जाएगा डिग्री में, तो 180 पाई की जगह 22/7, तो 22/7 को यहाँ ऊपर 7 लिख दें, तो ये कट गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 18 × 7 126/10 तो 12.6 डिग्री, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसी चीज को अगर हम डिग्री मिनट और सेकंड में लाना हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो ये जो है थीटा का मान कितना है, 126/10 126/10 अगर कटाते हैं तो 6 × 12 3 × 6 तो 5 × 10 63/5 क्या आ गया डिग्री, डिवाइड करते हैं, ठीक है, 12 कितना आ जाएगा, 60 यहाँ 3 बच जाएगा, ठीक है। तो 12 × 3 कितना हो गया, 5, तो 12 × 3 = 5 ये टोटल पार्ट है डिग्री में, लेकिन होल पार्ट 12 है, तो 12 डिग्री हो गया और 3/5 भी डिग्री में, लेकिन इस डिग्री को क्या करेंगे, मिनट में लाएंगे, एक डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। कटाते 5 × 12 में, तो 12 × 36 मिनट, क्लियर, पास हो जाएगा। तो आंसर इस तरीके से नहीं, आंसर इस तरीके से देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, एक जीवा का लंबाई कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए डायमीटर 40 है, कोड का लंबाई 20 है,
फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, तो कोड का जो माइनर आर्क का लेंथ है उसका, कोड का जो माइनर आर्क है उसका लेंथ निकालना है। देखिए पहले फिगर से देखिए, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40, अगर डायमीटर 40 है तो क्या रेडियस 20 होगा, रेडियस क्या होगा 20 होगा, ठीक है। एक कोड है 20 सेंटीमीटर, मान लेते कोई भी कोड है, चलिए कोड ले लिया यहाँ से, यहाँ ये कोड हो गया जीवा, ठीक है, जीवा का लंबाई 20 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो लेंथ है कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस होगा, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा रेडियस होगा, जो कि रेडियस का लंबाई, डायमीटर अगर 40 है तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो 40 है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, ये भी क्या रेडियस ही है, ये रेडियस 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखिए कि जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड अगर सेम हो तो वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल का तीनों साइड सेम हो तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। मतलब कि अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। एनी डाउट? तो कह सकते हैं ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसका कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री है तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा 5/3 रेडियन। क्या कोई दिक्कत? हम 60 को 5/180 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो आपके कैलकुलेशन कितना गया 5/3 रेडियन, ठीक है। अब निकालना है लेंथ ऑफ, अब ये है कोड, कोड है, ये कोड का हो गया माइनर आर्क, ये कोड का माइनर आर्क हो गया, और इसके अलावा जो पार्ट बच गया, इतना पार्ट जो बचा ये हो गया मेजर आर्क, ठीक है। ये लघु खंड हो गया, ठीक है, ये लघु वृत्त खंड हो गया, और ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया, बात समझ आया। ये हो गया, ये जो है माइनर आर्क है, ठीक है, और ये जो है इतना लंबाई, ये हो गया मेजर आर्क, ठीक है। तो यहां पर पूछा है माइनर आर्क का लंबाई, तो देखिए तो थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, एल बाय आर जानते हैं, थीटा बराबर एल बाय आर जानते हैं, तो थीटा का वैल्यू हो गया क्या, थीटा हमको दिया हुआ है, मालूम हो गया कितना 5/3 है, और एल का मान हमको फाइंड करना है, रेडियस का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह 20 बैठा दिए, ठीक है, तो एल का मान कितना हो गया, एल का मान हो गया 20/3, ये जो एल निकलेगा ये क्या निकलेगा, ठीक है, बात समझ आया। क्यों ये वाला निकलेगा, ये क्यों नहीं निकले हम, क्योंकि फॉर्मूला में क्या बताया, थीटा बराबर एल बाय आर जो होता है, ये एंगल जो है किस चीज के लिए, इसके लिए, और इस एंगल के लिए कौन सा आर्क बन रहा है, एल आर्क बन रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ये एंगल होता, ये एंगल का यूज करते तो ये वाला आर्क निकलता, ठीक है, लेकिन हम छोटा एंगल का यूज कर रहे हैं तो कौन सा आर्क निकलेगा, छोटा वाला आर्क निकलेगा, ठीक है। थीटा बराबर कितना हो गया, एल बाय आर हो गया, पाई का मान यूज करना है तो 22/7 यूज कर लीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, बात समझ आ गई, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड, ठीक है, निकल जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन, फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल का मान रेडियन में निकालना है थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए कि एक पेंडुलम है जिसका लेंथ कितना है 75 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका जो टिप है ये वो कितना है आर्क बनाता है, एक बार 10 सेंटीमीटर का, एक बार 15 सेंटीमीटर का, एक बार 21 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ पे कितना सवाल दिया, तीन सवाल दिया हुआ है, ठीक है। पहला लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर, ये जो मूव करता है ये कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, क्या ये आर्क वाला काम कर रहा है, इसको हम एल कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये पूरा घूम जाता तो एक सर्कल बनाता कि नहीं बनाता, सर्कल बनाता कि नहीं बनाता, बनाता, ठीक है। तो ये हो गया आर्क जिसका लेंथ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, तो पहला सवाल बनाते हैं, बाकी दो आप खुद से बनाइएगा। तो आर्क का मान कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, थीटा का मान पूछा है किस चीज में, रेडियन में पूछा, ठीक है। थीटा बराबर कितना होता है एल बाय आर रेडियन, एल का मान कितना हो गया 75, एल का मान कितना हो गया 10, आर का मान कितना हो गया 75, 5 से सॉल्व करते 5 दूनी 10,
पाँच से पंद्रह बार में क्या हो गया, पचहत्तर, ठीक है। टू बाय पंद्रह क्या हो गया, टू बाय पंद्रह रेडियन हो गया, टू बाय पंद्रह रेडियन। और हम क्या बताए थे कि थीटा बार और एल बार जो फॉर्मूला यूज करते हैं, डायरेक्ट आंसर क्या तो निकलता है, रेडियन में ही निकलता है। तो यहाँ पर पॉइंट में कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो पॉइंट में करके डिवाइड करके इसको लिख दीजिएगा, क्लियर। उसी तरीका से 15 सेंटीमीटर बना लीजिएगा, उसी तरीका से 21 सेंटीमीटर बना लीजिएगा। क्या हम एक और बताते हैं, ठीक है, तो एक बार हम बता देते हैं। दूसरा हम आते हैं, आर का मान वही 75 सेंटीमीटर रहेगा, एल का मान इस बार क्या है 15 सेंटीमीटर, थीटा का मान पूछा है, तो एल का मान कितना हो गया, एल का मान 15, आर का मान कितना 75 रेडियन, 15 पचे 75, तो 1 बाय कितना हो गया 1/5, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, डिवाइड करके जो आ जाए वो सारे रेडियन हो जाएगा, क्लियर। तो आज हम क्या कि एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 3.1 आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। जो जो सवाल हम नहीं बताए वो एग्जांपल हम बता दिए, वो बन जाएगा, ठीक है। और नहीं बना तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर आपको पहले ही दे चुके हैं, आप नहीं दिए हैं तो ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, इसका आप क्या कीजिएगा, सवाल को भेज दीजिएगा, तो सॉल्यूशन आपको दे, ठीक है। तो इसके बाद जो हम बताएंगे केसेस ना बताएंगे, ठीक है।